अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकबूल अली है और मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस टेबल पे काम करने जा रहे हैं वो ब्लैक कलर की विनियर की टेबल है। ये मेंटेनेंस के लिए आई है। इसके अंदर हमने बिल्कुल 80 और 180 के पेपर से सैंडिंग करके इसको हमने सफाई किया है। दोस्तों सैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि इस पर कोई निशान वगैरह ना रहे। इसके बाद सैंडिंग के बाद हमने इसकी सफाई करके इसको हमने मलमल के कपड़े से स्टैंड लगाना शुरू किया है ब्लैक कलर का, ताकि इसकी बेस में ब्लैक स्टैंड बैठ जाए। स्टैंड 2 से 3 दफ़ा लगाया है ताकि इसकी अच्छी तरीके से कवरिंग हो। स्टैंड लगाने के बाद हमने इस पर पीओ का सीलर डाला है। पीओ का सीलर 50% हार्डनर के साथ डाला है। ये देखें दोस्तों, सीलर सूखने के बाद हम इसके ऊपर सैंडिंग करेंगे 220 के पेपर से। 220 के पेपर से सैंडिंग मशीन से करनी है, फिर उसके बाद हाथ से भी करनी है ताकि मशीन के निशान ख़त्म हो जाए। सैंडिंग के बाद हमने दोबारा से स्टैंड लगाना है इनको। टेबलों को स्टैंड दोबारा से लगा के अच्छे तरीके से हमने टॉप कोट की तैयारी करनी है। टॉप कोट 30% ग्लॉस डालना है हमने। 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करना है टॉप कोट। डस्ट का पूरा ख्याल करें कि डस्ट ना आए टेबल पे स्प्रे करते हुए। ये देखें टॉप कोट डल चुका है टेबलों पे, और ये तकरीबन 10 से 12 घंटे में ड्राई होता है पीओ का लेकर। ये टेबलें हमारी तैयार हैं फिनिशिंग पे। दोस्तों अपने कमेंट से आगाह करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।